मैम अपना व्हाट्सएप नंबर एक दफा बोल दें। 03314979। हम अपनी डिसेबिलिटी को पॉजिटिव उसका इस्तेमाल करते हुए मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, तो ये बड़ी हर्डल्स हैं उसके अलावा पढ़ा रही हूँ मतलब। और मुझे वो बच्चों के वालिदैन आके यही सवाल करते थे, मैडम जी बाजी जी साढ़े बच्चों कुरान कदों पढ़ेंगे। और मेरे पास वो सवाल का जवाब आज से दो साल पहले नहीं था। जब तक उनको किसी जॉब के साथ साथ उनकी पढ़ाई आगे कैरी होती है। और ये हम इंशाल्लाह ताला अपने जैसे लोग ऐसे बना के ऐसे लीडर्स प्रोड्यूस करके वापस उनके अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त एक इवेंट में मौजूद हूँ और ईद के हवाले से मुनक्किद किया गया वॉइस सोसाइटी की तरफ से। मेरे साथ शगुफ्ता खानम साहिबा मौजूद हैं जो कि इस सोसाइटी को लीड कर रही हैं 2006 से, और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट हैं और एक यूनिक प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया है, वो हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। आपको सुन के बड़ा मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मैम? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आपका तो पहले बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत कोई मसला नहीं जब। अच्छा मैम, ये सोसाइटी आप 2006 से रन कर रही हैं, आज तक आपने कितने लोगों को सक्सेसफुल बना के और लोगों को जॉब पर एम्पावर किया? कहने को तो ये बहुत ज़्यादा शायद अनगिनत लोग हैं 2006 से, मतलब मेरे ये जो साथी हैं ये पहले से स्कूल लाइफ से थे और मैं यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद मैंने इनको ज्वाइन किया था। तो ये जो हमारा काम है तब से चल रहा है, और उसके हम लोगों ने 2011 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था इंडिपेंडेंट लिविंग होम का। अच्छा, इंडिपेंडेंट लिविंग होम। जी, इंडिपेंडेंट लिविंग होम का वो जो है हमारा एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। वो 10 ईयर लीडरशिप प्रोग्राम है हमारा। हम लोग बच्चों को पहले उनके मतलब रिमोट एरिया से जाके घरों से लेके आते हैं, और यहाँ पर जब लेके आते हैं फिर हम लोग उनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, और जब वो कम अज़ कम मैट्रिक कर लेते हैं तो तब उनको किसी जॉब के साथ साथ उनकी पढ़ाई आगे कैरी होती है। और ये हम इंशाल्लाह ताला अपने जैसे लोग ऐसे बना के ऐसे लीडर्स प्रोड्यूस करके वापस उनके इलाकों में भेजेंगे, ताकि वहाँ पे हम जैसे लोग और स्ट्रेंथन हो सके। अच्छा, आप जैसे लोग और स्ट्रेंथन हो सके। मैम ये क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं सोसाइटी की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से? सबसे पहले तो जो सोसाइटी के इश्यूज़ हैं ना, वो ये कि लोग हमें एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। सीधी बात है, अगर मेरी कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, अगर मैं कुछ देख नहीं सकती हूँ, सुन नहीं सकती, बोली तो तरस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। हमें किसी तरस की ज़रूरत नहीं है। मैं PhD स्कॉलर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 17 ग्रेड की गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मैं अपने हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे उनको टीच करती हूँ, मुझे किसी संपत्ति की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला ने मुझे अब देने वाला हाथ बनाया हुआ, लेने वाला नहीं, देने वाला हाथ बनाया हुआ। तो हम अपनी डिसेबिलिटी को पॉजिटिव उसका इस्तेमाल करते हुए मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, तो ये बड़ी हर्डल्स हैं। उसके अलावा मतलब सोसाइटी में हमें एक्सेसिबिलिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो तो हमें ट्रांसपोर्टेशन के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। ये सब चीज़ें साथ साथ हैं, लेकिन इन सब इश्यूज़ को बहुत पीछे रख के मेरे जैसे और भी मेरे कई दोस्त हैं जो आज एक मकाम पर पहुँचे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आपने कुरान पाक जो है ना वो ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है, उसके बारे में बताएं कि एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का कारनामा है जिसको बताते हुए जो है वो अल्फाज हमारे साथ छोड़ जाते हैं कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ आपकी इस इंतहा दर्जे की आला काविश के बारे में। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इसको इतना बड़ा वो बात कही, और वाकई में ये बात मुझे, मैं 12 साल हो गए हैं मैं हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को पढ़ा रही हूँ, और मुझे वो बच्चों के वालिदैन आके यही सवाल करते थे, मैडम जी बाजी जी साढ़े बच्चों कुरान कदों पढ़ेंगे। और मेरे पास वो सवाल का जवाब आज से 2 साल पहले नहीं था, जब तक मैंने उसको सर्च नहीं किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो चीज़ ढूंढी, मैंने मिस्र के कुछ लोगों से कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने मुझे कुरान पाक साइन लैंग्वेज में भेजा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी छोटी सिस्टर हैं मिलकर हम लोग जो हैं ऑनलाइन टीचिंग करवाते हैं बच्चों को, और मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी, उस पर भी कुरान और साइन लैंग्वेज में बच्चों को सिखाती हूँ, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, वो बच्चे जो सुन और बोल नहीं सकते वो भी कुरान पढ़ सके, क्योंकि पाकिस्तान में इससे पहले कभी भी कुरान साइन लैंग्वेज में नहीं पाए। अच्छा, मैं अपना यूट्यूब का एक दफ़ा नाम बता दें। शगुफ्ता खानम पाकिस्तान साइन लैंग्वेज। अच्छा, शगुफ्ता खानम पाकिस्तान साइन लैंग्वेज। अच्छा मैम, कोई ऑनलाइन जॉब सर्विसेज दे रही हैं उसकी आप कोई फीस वगैरह भी लेती हैं या? नहीं, ये काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हम लोग करते हैं, और अगर कोई देना चाहे तो वो
हम लेते हैं उन लोगों से और फिर हम डिजर्विंग लोगों के ऊपर स्पेंड करते हैं, बिल्कुल एज अ फंड उसको यूज़ करते। और मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों के इर्द गिर्द में अगर कोई बच्चा सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो काइंडली राबता के यूट्यूब चैनल पर, और ये एक अकेडमी का लिंक भी दिया गया है और फ़ोन नंबर भी दे देते हैं आपको, आप उस पर हमसे राबता करें तो इंशाल्लाह ताला आपके बच्चों को हम लोग ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाएंगे। मैम व्हाट्सएप नंबर एक दफ़ा बोल दें, 03314979007, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है जी, और इस पर हम बच्चों को कुरान की तालीम भी देते हैं। अच्छा नाज़रीन, रुकावटें हर वक्त ज़िंदगी के अंदर रहती हैं, मसला उसका सर पे सवार करना कोई हल नहीं है, हल ये है कि आप किस मुख्तलिफ एंगल से उसको टैकल करते हैं, उस रास्ते को किस तरह हमवार करते हैं, हर्डल्स को रिमूव करते हैं और ज़िंदगी की राहें अपने लिए भी आसान करते हैं और लोगों के लिए भी आसान करते हैं। आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन करना हो, इनका व्हाट्सएप नंबर आ गया है, यूट्यूब का लिंक भी सामने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्री चाहिए तो आप तब हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।